डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कैश मैनेजमेंट मॉडल्स की। जैसा कि हमने बात की थी कि कैश मैनेजमेंट्स के दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, टू हैव एन एफिशिएंट कैश फोरकास्टिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, और जिसकी हम बात हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी, जहां पे हमने बात की थी कि कैश बजट एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है जिसके थ्रू कैश फोरकास्टिंग की जाती है और नेसेसरी मेजर्स टाइमली लिए जाते हैं। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कैश मैनेजमेंट का, वो है टू अचीव ऑप्टिमल कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कि जो कैश है उसका कैसे यूटिलाइज किया जाए। जो कैश होल्डिंग है, मींस अगर डेफिसिट है कैश होल्डिंग की तो कैसे अरेंज किया जाए, और अगर सरप्लस है हमारे पास कैश का तो कैसे उन्हें कहां इन्वेस्ट किया जाए, कैसे उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो कैश फोरकास्टिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी, और हमने देखा था कि कैश बजट एक इफेक्टिव एंड वाइडली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट है फॉर कैश फोरकास्टिंग। बट द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, दैट टू अचीव ऑप्टिमल कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स स्ट्रेटजी, विल बी आंसर्ड बाय सम एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स। इसका आंसर अभी हमने कैश बजट नहीं देता है। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि कैसे किया जाए, कैसे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स करें, इज बेसिकली हिडन इन द कैश मैनेजमेंट मॉडल्स। कैश मैनेजमेंट मॉडल्स में इसका आंसर मिलता है। सो जैसे कि बताया कि कैश बजट टेल्स अस द एस्टिमेटेड लेवल्स ऑफ कैश बैलेंसेस फॉर द गिवन पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स। बट If there are shortfalls and surplus, how should these be arranged, and what should be done with the surplus are the questions which are not answered by the cash budget too. And the answer of these questions are basically given by cash management models. There are several cash management models. Cash management ke kai models hai, lekin hum do main models ki baat karenge, जिसमें पहला है बमोल मॉडल और दूसरा है मिलर एंड और मॉडल। बमोल मॉडल वही फेमस विलियम जे बमोल ने दिया है, और ही हैज गेव दिस मॉडल इन 1952 बिकॉज इट इज वेरी सिमिलर टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज ईओक्यू मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट। सो अंडर दिस मॉडल, as I told you, it is very similar to EOQ model, we try to find out the optimum size of cash transaction. Means, ये इस model का ये मानना है कि जब भी एक firm को जरूरत पड़ेगी cash की, तो उसे cash transaction करना पड़ेगा, मतलब या तो borrow करके या securities जो उसके पास marketable securities है उन्हें sell करके arrange करना पड़ेगा। तो एक ट्रांजैक्शन का ऑप्टिमम साइज क्या होना चाहिए, उसी के बारे में ये ईओक्यू मॉडल बात करता है। सो दिस मॉडल हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कैश कन्वर्जन साइज, व्हिच मींस हाउ मच कैश शुड बी अरेंज्ड बाय सेलिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन ईच ट्रांजैक्शन। सो एक्चुअली द बेसिक अजम्पशन जो बमोल ने अपना मॉडल बेस किया है, उन्होंने कहा है कि जो भी एक शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट है, दीज आर मेट बाय सेलिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज। वो ये मानते हैं कि फर्म के पास एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम देर आर एडिक्वेट सफिशिएंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेडेबल सिक्योरिटीज, और जब भी एक फर्म को जरूरत पड़ती है वो इन्हीं मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बाजार में सेल करके कैश अरेंज कर लेती। सो इसीलिए इस आधार पर ये मॉडल ये कहता है कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम कैश कन्वर्जन साइज, कि एक बार में कितनी सिक्योरिटीज सेल करनी चाहिए, उसी साइज को फाइंड आउट करने के लिए ये बमोल मॉडल है। सो एज आई टोल्ड यू, दिस मॉडल अज्यूम्स दैट कैश कैन बी अरेंज्ड थ्रू सेलिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज व्हिच द फर्म्स होल्ड इन द टाइम ऑफ नीड्स, कि मतलब जब भी जरूरत होती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज उनके पास सभी के सफिशियंट एडिक्वेट होती है। अगेन as per this model, there are two types of cost involved in holding cash. One is
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड दो तरह की लागतें आती हैं, एक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और दूसरा है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जिसको कन्वर्जन कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि जब आप अपने पास कैश होल्ड करेंगे, देन बाय होल्डिंग दैट कैश यू आर फॉरगोइंग एन इनकम अपॉर्चुनिटी, कि उस कैश को आप कहीं अगर और इन्वेस्ट करते किसी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में या कहीं डिपॉजिट करने के लिए, देन यू कुड हैव अर्न सम इनकम और इंटरेस्ट। सो बाय होल्डिंग कैश यू आर फॉरगोइंग, वो आप इनकम त्याग रहे हैं, वो भूल रहे हैं, वो आपको इनकम नहीं मिल रही, ये इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड द सेकेंड इज ट्रांजेक्शन कॉस्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब दैट ईच टाइम यू मेक अ ट्रांजेक्शन, जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं यानी सिक्योरिटीज को सेल करते हैं और कैश में कन्वर्ट करते हैं, देन देर इज अ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, देर इज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये इसे ही हम या कन्वर्जन कॉस्ट भी आप इसे कह सकते हैं। सो एक्चुअली द पर्पज ऑफ दिस मॉडल टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ कैश होल्डिंग, विच इज द समेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट। इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जोड़ दोगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग कैश होता है, और इसी टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना ही पर्पज है बमॉल का ईओक्यू मॉडल का। सो जो नेचर है इन दोनों कॉस्ट का, लेट अस टॉक अबाउट दैट। सो अगेन द ट्रेडिंग कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट, जनरली इट इज ट्रीटेड, एक्चुअली ऑल द बेसिक एजम्पशंस ऑफ ईओक्यू मॉडल जो आपने इन्वेंटरी मैनेजमेंट में पढ़ा था वो सेम है, वो यहां भी होल्ड करते हैं जो जितने भी बेसिक एजम्पशंस है। सो जो ट्रेडिंग कॉस्ट है या कन्वर्जन कॉस्ट है, वो जैसे जैसे साइज ऑफ कैश बैलेंस, मतलब जैसे जैसे साइज ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ता जाता है, वो पर यूनिट आप कह सकते हैं डिक्लाइन करता जा रहा है, क्योंकि पर ऑर्डर पर ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग कॉस्ट या कन्वर्जन कॉस्ट जनरली फिक्स माना जाता है। ऑन द अदर हैंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच इज इनकम फॉरगॉन, बेसिकली ये इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है साइज ऑफ कैश बैलेंस से। तो जितना ज्यादा आप कैश बैलेंस रखेंगे अपने पास, जितना ज्यादा कैश होल्ड करेंगे, उतना ही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। एंड द समेशन ऑफ दीज टू, दैट इज टोटल कॉस्ट, इज शोन इन ग्रीन लाइन एंड इट इज हैविंग यू शेप्ड रिलेशनशिप, यू शेप्ड बिहेवियर। सो अगेन वेयर दीज टू कॉस्ट इंटरसेक्ट, जहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और आपका ट्रेडिंग कॉस्ट इंटरसेक्ट करती है, वहीं पे आपका टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश भी मिनिमम होता है, या सिंपली टोटल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है उसी से उस वही अगर उस लेवल का हमें कैश होल्ड कैश बैलेंस पता चल जाए तो वही आपका ऑप्टिमम साइज ऑफ कैश होल्डिंग है। सो इसी को करने के लिए ये बमॉल, इसी पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए बमॉल का मॉडल है। बेसिक अजम्पशंस इस मॉडल के हैं कि कैश रिक्वायरमेंट फॉर अ गिवन पीरियड इज नोन, मतलब एक साल में या गिवन पीरियड के लिए कितना कैश जरूरत पड़ेगी वो पहले से पता है। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवेनली थ्रू आउट द पीरियड, मतलब कैश का जो यूज है, जो रेगुलर कैश की जरूरत पड़ती है वो गिवन पीरियड में डेली लगभग बराबर है। सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी डन इमीडिएटली, मतलब जब आप चाहते हैं सिक्योरिटीज तुरंत सेल हो जाएंगी और आपको कैश मिल जाएगा। देर आर टू डिस्टिंग्विशेबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद कैश होल्डिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट। द कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन इज कॉन्स्टेंट, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट की बात मैं अभी कर रहा था वो फिक्स रहती है पर ट्रांजेक्शन। एंड ऑन द अदर हैंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज फिक्स्ड, इज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ कैश होल्डिंग, जो कैश होल्डिंग की एवरेज वैल्यू होती है उसका कुछ फिक्स परसेंटेज जनरली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। सो ये थोड़ा सा मूवमेंट है इस जो बमॉल का ईओक्यू मॉडल है, आप देखिए तो ये दिखा रहा है कि जैसे ही आप पहला कैश होल्डिंग से शुरुआत करते हैं तो पर डे धीरे 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 कंज्यूम होता चला जाता है, और जैसे ही खर्च होता है यहाँ पे आप एक नया ऑर्डर प्लेस करते हैं और इमिडिएटली आपका अगेन कैश बैलेंस पूरा हो जाता है, फिर धीरे 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 आप इसे कंज्यूम करते हैं एंड देन अगेन, सो दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग, दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग एंड थ्रू दिस और थ्रू दिस डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ बमॉल ईओक्यू मॉडल। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट द मेन फॉर्मूला, सो हियर वी विल बी टेकिंग दीज लेटर्स, दीज मीन्स बेसिकली सिंबल्स फॉर आवर फॉर्मूला, सी
C will be the amount of marketable securities converted into cash per transaction, या आप इसे इकोनॉमिक कैश होल्डिंग साइज भी बोल सकते हैं. I is the interest rate earned per planning period on investment in marketable securities. And T is projected cash requirements, कि T हमारे given period में कितना total cash requirement होगा. B is the conversion cost per transaction, means transaction cost. And S is the sum of conversion and holding cost. So, जैसा कि आपको पता है, total cost is basically आपका ये है transaction cost and this is your basically opportunity cost. So, transaction cost plus opportunity cost is equal to total cost. ये आपको हम inventory management model में पहले ही पढ़ा चुके हैं. But our main focus is on this second part of the formula, that is C. C is the optimum cash holding size, which is equal to 2BT upon I under root. So, means square root 2BT upon I. This, if you apply this formula, which is Baumol's formula, will give you the optimum cash holding size. So, let us have a question. So, for example, Sadaf Corporation requires rupees 5 lakh in cash for meeting its transaction needs over the next 5 months. अगले 5 महीनों के लिए इसको लगभग 5 लाख की जरूरत है कैश की. And this amount is available with Sadaf Corporation in the form of marketable securities. इतने ही रुपए की उसके पास marketable securities available हैं. It can earn 18% annual yield on its marketable securities. अगर marketable securities अपने फॉर्म में रहेंगी तो 18% का लगभग इसको इंटरेस्ट या आप कहिए उस पर रिटर्न मिलेगा. The conversion of marketable securities into cash entails a fixed cost, rupees 500 per transaction. So, conversion cost is 500 per transaction. So, let us find out. So, first of all, we need to calculate I. Remember, this I in this formula is what? Interest rate earned per planning period on investment. कि जितने time period की हम बात कर रहे हैं, उतने time period में interest rate कितना मिलता? यानी वो जो आप देख रहे हैं ना कि जितना कैश रख रहे हैं उससे इनकम फॉरगॉन कितनी इनकम फॉरगॉन कितनी हो रही है, दैट इज आई. सो हमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत है, आई कैलकुलेट करने की जरूरत है. सो दिस 18 डिवाइडेड बाय 12, 18% याद करिए, 18% था रिटर्न, 12 महीने एक साल के लिए था, इंटू 5 क्योंकि हमें 5 मंथ्स के लिए कैश रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है. सो दिस इज 7.5%, यानी 5 महीने में हमें इतना इंटरेस्ट मिलेगा. अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, विच इज 0.075 पर रुपी, हमें पर रुपी ही चाहिए एक्चुअली. सो देन सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 5 लाख, दैट इज टोटल कैश रिक्वायरमेंट फॉर द प्लानिंग पीरियड. 500 इज योर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, डिवाइडेड बाई आई, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो द पर ट्रांजेक्शन कैश मीन्स ऑप्टिमम कैश होल्डिंग इज 81,649.67 रुपीज. इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये 81,650 रुपीज आएगा. सो द एवरेज कैश होल्डिंग देन सी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 81,650 डिवाइडेड बाय 2, 40,825. नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, सो सिंपल, टोटल रिक्वायरमेंट पूरा प्लानिंग पीरियड में कितना है, दैट इज टी, डिवाइडेड बाय ऑप्टिमम कैश होल्डिंग साइज. तो हमें पूरा 5 लाख चाहिए और एक बार हम कितना ट्रांजेक्शन पैसा कन्वर्ट करा रहे हैं, 81,000. सो लगभग हमें 6 बार ट्रांजेक्शन कराना पड़ेगा, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 5 महीने में लगभग 6 बार कैश कन्वर्ट कराना पड़ेगा. देन एवरेज नंबर ऑफ डेज पर ट्रांजेक्शन, एक बार जो हमने कैश अरेंज किया है वो कितने दिन तक चलेगा. सो हियर वी आर एज्यूमिंग दैट देर आर 30 डेज पर मंथ. सो वेन देर आर 30 डेज पर मंथ तो 5 महीने में 150 दिन, उसको 6 ऑर्डर हमने लिए हैं, 6 ऑर्डर से डिवाइड किया तो 25 डेज पर ऑर्डर. यानी आपका जो एक ये ऑर्डर है, ये ऑप्टिमम कैश होल्डिंग साइज है 81,650 रुपीज, वो लगभग 25 दिन चलेगा. तो पर डे कैश कितना यूटिलाइज हो रहा है, पर डे यूसेज ऑफ कैश 81,650 डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि एक कैश चल रहा है 25 डेज और इतना अमाउंट है तो एक दिन में लगभग 3,266 रुपए आपका खर्च हो रहा है, कैश की जरूरत पड़ रही है. नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, यू सॉल्व इट एंड आप अटेम्प्ट करिए. अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इस मेल आईडी पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.
थैंक यू।